साथी हूँ, मैं नितीश मिश्रा आप सभी का एम मिश्रा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ शिक्षा तक सबकी पहुँच आज का हमारा एक टॉपिक है। इसमें आज हम जानेंगे कि कैसे कैसे सरकार ने योजनाएं निकाली, स्कीम निकाली कि शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा है वह सभी तक पहुंच सके। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्राथमिक शिक्षा के बारे में अध्ययन किया। प्राथमिक शिक्षा का आधुनिक काल तक, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक विकास कैसे हुआ, इसके बारे में अध्ययन किया। और आज हम अध्ययन करेंगे कि प्राथमिक शिक्षा कैसे सबके द्वार तक पहुँचती है विभिन्न योजनाओं के द्वारा, उन योजनाओं का हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि बाकी साथियों की मदद की जा सके। तो आते हैं शिक्षा तक सबकी पहुंच, अर्थात इससे हमारे टॉपिक से स्पष्ट होता है कि शिक्षा सबके यहाँ पहुँचनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए जिनमें कि कई सारी योजनाएं निकाली और उनमें सबसे पहली योजना है हमारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है यह भारत सरकार की स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। इसमें सरकार यह चाहती थी जो एससी एसटी कैटेगरी के छात्राएं हैं, दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, उसके बाद समाज में निम्न वर्ग का स्थान प्राप्त है, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो, वे भी सामाजिक क्रियाओं में पूर्ण रूप से भागीदारी कर सकें, इसके लिए सरकार ने ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आरम्भ किया। यह योजना जुलाई 2004 में आरंभ की गई और इसके तहत 750 आवासीय विद्यालय लड़कियों के रखने के लिए और वहीं पर पढ़ने के लिए बनाए गए, जैसे नवोदय विद्यालय है। उसके बाद वर्तमान में यह विद्यालय जो है 2180 खोले जा चुके हैं और इस योजना को 1 अप्रैल 2007 को, तारीखें लिख लेते हैं, 1 अप्रैल 2007 को सर्व शिक्षा अभियान में मिला लिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली योजना है सरकार की दूसरी योजना, ये पहली योजना थी, दूसरी योजना है महिला समाख्या योजना MSY, महिला समाख्या योजना। ठीक, इसमें क्या होता है कि महिलाएं जो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर पिछड़ी हुई हैं उन्हें सशक्त बनाया जा सके, उन्हें ऐसा आत्मनिर्भर बनाया जा सके कि वे अपनी जरूरतें अपने हिसाब से तय कर सकें। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है बहुत ही अच्छे ढंग से की गई थी और इस कार्यक्रम के विधिवत कुछ उद्देश्य बनाए गए थे जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं, यह योजना जो है 1989 में शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा और भारत सरकार की यह एक बहुत ही अच्छी पहल की योजना थी। इस योजना के अंतर्गत यह भी निर्धारित किया गया था कि जो महिलाएँ हैं तथा जो लड़कियाँ हैं वे दोनों इन्हें सम्मिलित हों, न कि सिर्फ महिलाएं, यह स्त्रियों के लिए ही था और न कि सिर्फ पुरुषों के लिए। और इसमें स्त्रियों के उत्थान के लिए बहुत ही महानतम कार्य किए गए। इस योजना के उद्देश्य में कुछ उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि पहला उद्देश्य था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, इसका दूसरा उद्देश्य था महिलाएँ अपनी प्राथमिकता निर्धारित कर सकें, उनको इस लायक बनाना, इसका तीसरा उद्देश्य है कि महिलाओं को शिक्षित करना जिससे कि वे भी समाज में सहभागिता ले सकें। अब इसके बाद तीसरी योजना आती है मध्याह्न भोजन योजना, इसे हम MDM के नाम से भी जानते हैं। MDM, इसे हम मिड डे मील भी कहते हैं, अर्थात मध्याह्न भोजन योजना।
मध्यांश तत्पर है दोपहर, अर्थात दोपहर में जो प्राथमिक विद्यालय में भोजन मिलता है, कभी खिचड़ी, कभी दूध, कभी आलू की पूरी, ये जो सब मिलते हैं खाद्य पदार्थ लंच के समय, इसे ही हम एमडीएम का नाम देते हैं। यह योजना 15 अगस्त 1995 को 2408 ब्लॉकों में शुरू की गई थी। देश के 2408 ब्लॉकों में यह योजना 15 अगस्त 1995 को यह शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चे थोड़ा क्या कहते हैं लालची प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें जहाँ कुछ मिलता है वहाँ अधिक जाते हैं, तो नामांकन संख्या में वृद्धि करना। बच्चे लालच से आए कि यहाँ भोजन मिलता है, तो उसके लालच में वे आएंगे और नामांकन संख्या में वृद्धि होगी और अधिक से अधिक वे शिक्षित होंगे। इसकी योजना का मुख्य उद्देश्य यही था। और बच्चे टिके भी रहेंगे क्योंकि भगोड़े छात्र होते हैं, वे घंटी पढ़ते हैं दूसरे घंटी गा जाते हैं, इस तरह वे पूरे दिन विद्यालय में टिके रहेंगे कि हमें भोजन प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद आता है अगला RTE, जिसे हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अर्थात राइट टू एजुकेशन, सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गया है, ये जुलाई होगा, यहां पर 8 कर लेंगे, ये जुलाई कर दिया गया था, अगस्त होगा 15 अगस्त। ठीक है, तो आते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षा के क्षेत्र में। इसका वीडियो मैंने पहले बताया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कैसे प्राइवेट स्कूलों में फ्री में एडमिशन लिया जाए, 15% सीटें आरक्षित की जाती हैं गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में भी, कि वे मुफ्त शिक्षा ले सकें। उसके बाद शिक्षा का अधिकार नियम यह कहता है कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, यही है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ठीक, और इसे ही जब कानून में ला दिया गया तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम से कहा गया। इसके बाद आता है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, पांचवे नंबर पर आता है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। यह बोर्ड का गठन इसलिए किया गया था कि यह प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए, उसके पाठ्यक्रम के लिए समय समय पर अपना सलाह मशवरा सुझाव देता रहे। ठीक है, इसके बाद आता है एनसीईआरटी अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का कार्य यही है कि यह पाठ्यक्रम को नियोजित करता है। ठीक है, पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है कि यह प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक अधिगम कर सकें। ठीक है, यह एनसीईआरटी मान निर्धारित करता है। उसके बाद आता है हमारा निपा अर्थात NIEPA, निपा, जिसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान। यह जो संस्थान है यह मुख्य रूप से एससी और एसटी के लिए है, अर्थात इसमें एससी और एसटी के छात्रों का शैक्षिक स्तर पर उन्नयन कैसे हो, वे समाज में कैसे अपना एक आदर्श व्यक्तित्व स्थापित कर सके, वे समाज में कैसे ऊपर उठ सके, यह उसके लिए कार्य करता है। यह मुख्य रूप से एससी एसटी के छात्रों के शैक्षिक विकास के लिए हमेशा कार्यरत रहता है। इसके बाद आता है शिक्षा सहयोग योजना,
इसमें आता है शिक्षा सहयोग योजना, जिसे हम कहते हैं शिक्षा सहयोग योजना, इसे अंग्रेजी में हम EAS कहते हैं। ठीक है, आइए तो यह शिक्षा सहयोग योजना जो है, यह इसका मुख्य रूप से यही उद्देश्य है कि गरीबी को हटाना, अर्थात गरीबी हटेगी तभी बच्चे अपने माता पिता का साथ छोड़ के काम धंधे से पढ़ने के लिए जाएंगे, और जब पढ़ेंगे, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर कमेंट करके अपना प्यार दुलार जरूर दें। धन्यवाद।